आदि पुरुष के बाद सेंसर बोर्ड रख रहा है फूंक फूंक कर कदम। 20 कट के बाद ओ माई गॉड 2 को मिलेगा CBFC का ए सर्टिफिकेट। पिछले महीने रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर कई तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज हुई। पहले तो इस फिल्म का सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने पास कर दिया था, लेकिन फिल्म के खिलाफ हो रहे विरोध को देखते हुए सेंसर बोर्ड को आदि पुरुष के डायलॉग्स और कुछ सीन्स पर कैंची चलानी पड़ी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वहीं सेंसर बोर्ड को भी आदि पुरुष के लिए आलोचना झेलनी पड़ी थी। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, ऐसा ही कुछ सेंसर बोर्ड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 11 अगस्त को रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट का इंतजार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन की रिवाइजिंग कमेटी ने फिल्म देख ली है। बताया जा रहा है कि कमेटी ने फिल्म में 20 कट लगाने के साथ ही इसे ए सर्टिफिकेट देने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक CBFC ने इस कट्स को लेकर मेकर्स को कोई ऐसा नोटिस जारी नहीं किया है जिसमें कट लगाने के पीछे की वजह बताई गई हो। खबरें हैं कि इस मामले में प्रोड्यूसर्स को कारण बताओ नोटिस भी भेजा जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने ये फिल्म खुद देखी है। सेंसर बोर्ड की टीम को लगता है कि इस फिल्म के सब्जेक्ट पर विवाद हो सकता है, इसलिए वो इसका बारीकी से रिव्यू कर रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि जल्द ही ओ माई गॉड 2 को सेंसर बोर्ड का क्लियरेंस मिल जाए। फिलहाल मेकर्स की चिंता बरकरार है। दरअसल ओ माई गॉड 2 की रिलीज में केवल 16 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन ना तो अभी तक फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है और ना ही इसका प्रमोशन शुरू हो पाया है। रिपोर्ट्स की माने तो OMG 2 का ट्रेलर 27 जुलाई को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ रिलीज होने वाला था, लेकिन CBFC के सर्टिफिकेट की वजह से ये भी बीच में ही लटका हुआ है। वेल, अगर ओ माई गॉड 2 को एक दो दिन में सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता है तो पहले इसका ट्रेलर रिलीज होगा, जिसके बाद फिल्म 11 अगस्त को थिएटर्स में दस्तक देगी। इस फिल्म का सीधा सामना गदर 2 से होने वाला है। आपको बता दें कि 21 साल बाद दारा सिंह और सकीना की जोड़ी बिग स्क्रीन पर वापसी कर रही है, जिसके लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं। ऐसे में देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर ओ माई गॉड 2 या फिर गदर 2 में किसका जादू चलता है। ओ माई गॉड 2 की बात करें तो ये फिल्म साल 2012 में रिलीज हुई ओ माई गॉड का सीक्वल है। इस बार अक्षय कुमार भगवान शिव के अवतार में नजर आएंगे। पहली बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रोल प्ले किया था। ओ माई गॉड में नास्तिक कांजीलाल मेहता का रोल निभा चुके परेश रावल इस बार फिल्म में नहीं दिखाई देंगे। दरअसल उनकी जगह आस्तिक बनकर पंकज त्रिपाठी ने ले ली है। वहीं ओ माई गॉड 2 में यामी गौतम भी हैं, एक्ट्रेस वकील के किरदार में नजर आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।